आवाम को पैदाशी हक मिलना चाहिए जिसके लिए आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। जी ठीक है इकबाल मीर, बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 100 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों के आवाम का कहना है कि भारत इखलाकी गिरावट की तमाम हदें पार कर चुका है। अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करवाने के लिए इकदाम किए जाएं। आलमी बरादरी मकबूजा वादी की तशवीशनाक सूरत हाल का नोटिस ले। लोगों का मजीद क्या कहना था आपको सुनाते हैं। आलमी बरादरी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका संजीदगी से नोटिस ले और इंटरवीन करते हुए यहाँ अम की बहाली में और इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। 100 दिन मुकम्मल होने के बाद भारत ने वहाँ पे लाखों लोगों के इंसानी हकूक पामाल कर दिए, माशरती हकूक पामाल कर दिए, उनके मजहबी हकूक पामाल कर दिए, लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। लेकिन इस मौके पर अक्वामे मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, OIC और दुनिया में इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। भारत जो मकबूजा कश्मीर को जबरी तौर पे उसके हैसियत को तब्दील करना चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर के साथ जो हक के खुद इरादी का वादा किया गया था, जो अकवा मुत्तहिदा में मौजूद है, उसको जो है खत्म करना चाहता है। और अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।